महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गई थी। घटना में बाल बाल बचे एक मजदूर धीरेंद्र उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए कहते हैं कि रेल पटरियों पर बैठे अपने साथियों को मैंने आवाज लगाई थी, वो उन्हें आने वाली ट्रेन से सावधान करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे, वो अपने साथियों को बचा नहीं पाए। औरंगाबाद ट्रेन से कटकर 16 श्रमिकों की मौत हो गई। धीरेंद्र याद करते हैं कि मैंने उन्हें अलर्ट करने की कोशिश की थी लेकिन तब तक पलक झपकते ही ट्रेन गुजर चुकी थी। लॉकडाउन में फंसे 20 श्रमिकों का एक समूह जालना से पैदल जा रहा था। ये लोग जालना से पैदल चले थे और भुसावल जा रहे थे। भुसावल दुर्घटना वाली जगह से करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हादसे में बाल बाल जीवित बचे धीरेंद्र कहते हैं कि हम सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हम सभी लोग महाराष्ट्र के जालना जिले की SRG स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। बृहस्पतिवार की शाम 7 बजे हम अपने कमरे से निकले थे और सुबह 4 बजे तक हम वहां पहुंच गए थे जहां वो हादसा हुआ। धीरेंद्र ने बताया कि रात भर चलने की वजह से हम लोग थक चुके थे। हमने वहां रुककर आराम करने का फैसला किया। थकावट के कारण उनमें से 17 लोग ट्रेन की पटरियों पर आराम करने के लिए लेट गए जबकि 3 अन्य पास के खेतों में बैठ गए। जिन लोगों की मौत हुई वो हम 3 लोगों में से बस कुछ ही दूरी पर थे। धीरेंद्र कहते हैं कि थकावट के कारण वो लोग ट्रैक पर ही आराम करने के लिए बैठ गए थे। थके होने के कारण उन लोगों को नींद आ गई। मैं 2 और लोगों के साथ ही कुछ दूरी पर ही आराम कर रहा था। कुछ देर बीतने के बाद एक मालगाड़ी आई। ट्रेन के आने के बारे में मैंने उन लोगों को सावधान किया लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुन पाए और ट्रेन के नीचे आ गए। धीरेंद्र कहते हैं कि हमने घर जाने के लिए 1 हफ्ते पहले पास के लिए अप्लाई किया था। लॉकडाउन की वजह से हम सभी बेरोजगार हो गए थे। हमारे पास पैसे भी खत्म होने लगे थे इसलिए हमने वापस अपने गांव जाने का फैसला किया। औरंगाबाद ट्रेन हादसे में मारे गए 16 लोगों के शवों को स्पेशल ट्रेन से मध्य प्रदेश भेजा गया है। घायल 5 लोगों का औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। औरंगाबाद ट्रेन दुर्घटना में मृत श्रमिकों में शहडोल जिले के 11 श्रमिक और उमरिया जिले के 5 श्रमिक शामिल हैं। यह हादसा शुक्रवार को साउथ सेंट्रल रेलवे में पड़ने वाले नांदेड़ डिवीजन करमाड़ पुलिस थाना इलाके में हुआ था। हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। हादसे में जो सुरक्षित बचे थे उनकी पहचान मंडला निवासी 20 वर्षीय इंदर लाल धुर्वे, उमरिया निवासी 27 साल के धीरेन्द्र सिंह गौर और शहडोल निवासी 27 वर्षीय शिवम सिंह गौर के रूप में हुई है। वहीं खजेरी निवासी सज्जन सिंह दुर्घटना में घायल हुआ है। सरकार कह रही है कि वो प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्य वापस भेजने का प्रयास कर रही है। लोगों को धीरज रखना चाहिए लेकिन जिंदा रहते इन मजदूरों को अपने घर जाने के लिए ट्रेन तो नहीं मिली लेकिन अब उनकी लाशों को स्पेशल ट्रेन से उनके राज्य में पहुंचाया जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे।